सबसे पहले बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जहां पर पीसीसी के बाहर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने वाला पोस्टर आज विधानसभा में सुर्खियों में रहा, जिसको लेकर मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका गांधी को बनना चाहिए, साथ ही प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बाला बच्चन को बनना चाहिए। वहीं कर्नाटक में जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि बीजेपी और पीएम मोदी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में हम मजबूती से हैं और पूरे 5 साल कमलनाथ की सरकार चलेगी। सज्जन सिंह वर्मा से खास बात की अनादि टीवी संवाददाता ने। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सिंधिया के पोस्टर लग गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के लिए। देखिए, ये तो एक राजनीति के अंदर इस तरह की बातें होती हैं। जो व्यक्ति जिस नेता से जुड़ा होता है उसका दिवा स्वप्न भी यही होता है कि मेरा नेता एक कदम आगे और बढ़े और नई मंजिलों को छुए। तो सिंधिया जी के बारे में प्रदेश कांग्रेस में कुछ पोस्टर उनके कार्यकर्ताओं ने लगाया है, तो ये उनके अंतर्मन की एक झलकी है। पर जो व्यक्ति खुद ही इस्तीफा दे चुका हो महामंत्री के पद से, राष्ट्रीय महामंत्री के पद से पीड़ित होके दुखी होके कि मैं भी वो एक व्यक्तियों में से हूँ जो हार की जवाबदारी ले रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि सिंधिया जी किसी और पद को स्वीकार करेंगे। आपके हिसाब से किसको बनना चाहिए? मेरी राय में प्रियंका गांधी, श्री डिजर्विंग, श्री अगर लीडर उनको बनना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में ये भी है कि नेहरू गांधी परिवार से अलग हटके कांग्रेस की कल्पना करना एक मिथ्या बात हो। तो कर्नाटक में जो स्थिति बनी है क्या लगता है, मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से संख्या में विपक्ष की काफी ज्यादा है, तो क्या यहाँ भी बन सकती है? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि हर राज्य की पृष्ठभूमि अलग अलग है, हर राज्य की राजनीतिक नजरिया अलग अलग है। तो कर्नाटक में जो हो रहा है लोकतंत्र की हत्या, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह हॉर्स ट्रेडिंग भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 5 साल में जब केंद्र में सरकार है, अकूत दौलत आ गई, अथाह दौलत आ गई, उसके बल पे चाहे अरुणाचल हो, चाहे गोवा हो, चाहे कर्नाटक हो, इस तरह की खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र की हत्या करना है। कर्नाटक की बात अलग है, मध्य प्रदेश में 121 विधायक हैं, सारे के सारे कमलनाथ जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, यहाँ इस तरह की घृणित कोशिशें सफल नहीं हुई। बिल्कुल, ये थे सज्जन सिंह वर्मा जी, इनका कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष बाला बच्चन को बनना चाहिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका गांधी को बनाया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर उन्होंने कर्नाटक की स्थिति को देखकर ये भी कहा है कि यह लोकतंत्र की हत्या है, भाजपा पैसे की दम पर इस तरह का काम कर रही है। कैमरामैन गणेश के साथ भोपाल से अनादि टीवी के लिए अंकुर अधवरी। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता अंकुर अर्धवरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर जी, इस बयान के बाद ये तो नहीं माना जा सकता कि उन अटकलों पर विराम लगा दिया गया है जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अध्यक्ष बनाने की मांग उनके समर्थकों ने की, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सुबह जो पोस्टर उनके समर्थकों ने लगाए थे वो पोस्टर अब कांग्रेस कार्यालय के बाहर से हटा दिए गए हैं। जी बिल्कुल जया, मैं आपको बता दूं, पहले भी मांग उठती रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की। अब जैसे ही राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया तो अब उन्हें फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की पोस्टर, इसी को लेकर जो कैबिनेट मंत्री हैं सज्जन सिंह वर्मा, उनका कहना है कि नेहरू और गांधी परिवार के अलावा किसी पार्टी कांग्रेस में किसी और की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर अध्यक्ष राहुल गांधी नहीं रहते हैं तो प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर सबसे उपयुक्त अगर कोई चेहरा है तो वो प्रियंका गांधी का। ऐसे में जो सिंधिया के समर्थक मांग कर रहे हैं उस चर्चा को एकदम से सज्जन सिंह वर्मा ने मोड़ दिया और प्रियंका लगता है संपर्क उनसे टूट गया, लेकिन एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ दिया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उसको लेकर भी काफी सियासी ड्रामा हमें लोकसभा चुनाव के बाद देखने को मिला था। लेकिन उनके इस्तीफे के बाद जो बयान उन्होंने दिया था कि मैं तो अपनी हार का जिम्मा ले रहा हूं, जब मैं ले सकता हूं तो दूसरा कोई हार का जिम्मा क्यों नहीं ले सकता,
और इसी को लेकर लगातार कांग्रेस में इस्तीफे का दौर जारी है और अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बात की जा रही है कि आखिर कौन नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। हमारे साथ एक बार फिर से अंकुर अर्धवरी हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। अंकुर जी, लेकिन अगर बात की जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर तो कौन हो सकता है, क्योंकि एक तरफ विपक्ष की तरफ से बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता रहा है हमेशा ही कि वंशवाद को बढ़ावा कांग्रेस की तरफ से दिया जाता रहा है। अब जब एक मौका आया है कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस से इतर गांधी परिवार से इतर कोई अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है तो उसको लेकर कांग्रेस के ही लोग कांग्रेस के ही नेता जनप्रतिनिधि इनकार कर रहे हैं कि नहीं अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो वो राहुल माफ करिए गांधी परिवार से ही होगा। अंकुर जी सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अभी देखने वाली बात यही है कि पोस्टर लगा दिए गए सुबह पीसीसी के बाहर और ज्योतिरादित्य सिंधिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग। इसके पहले भी हमने सियासी ड्रामा देखा था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग बहुत जोरों से उठी थी, लेकिन उस समय वो बात हल्की हो गई जब कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष का पद सौंप दिया गया था विधानसभा चुनाव के पहले। लेकिन अब राष्ट्राध्यक्ष को लेकर बात है, कई नाम इस दौड़ में शामिल है, कौन होगा ये देखने वाली बात होगी।